कि रात खुदा ने बनाई हमारी सोने के लिए, आराम के लिए, और इसको पूछो अब मेडिसिन से भी नहीं इसका हल हो रहा। हाँ, मेडिसिन खाने से भी इसका हल नहीं हो रहा। मेडिकल साइंस बुरी नहीं, वो भी खुदा की देन, पर जब मेडिकल साइंस भी काम ना करे, द मेडिकल साइंस भी काम ना करे, तो बताओ बंदा कहां पे जाए? क्या नाम? जय मसीह की, जय मसीह की। क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर। कहां से आए हो आप? दोदे पिंड। दोदे पिंड से। क्या गवाही है आपकी? मेरी खांसी की गवाही दे। खांसी की मतलब? कितने समय से खांसी आ रही थी? डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा है। डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, इसके लिए आपने क्या किया? रात मेडिसिन खाते ही थे, फिर सही नहीं थे, नहीं तो नहीं। रात मेडिसिन खाते थे, क्योंकि दिन दिन को क्यों नहीं खाते थे? दिन सही रहता है, रात खांसी बहुत ज्यादा। हाँ, सुनो ध्यान से, दिन को खांसी नहीं आती थी, रात को आती थी। रात को आती थी ना सिर्फ, दिन को नहीं आती, और फिर रात के समय आपको मेडिसिन खानी पड़ती थी। हाँ जी, मेडिसिन खाई थी। कितने समय से? ये डेढ़ महीने से खा रहे थे? हाँ जी, डेढ़ महीने से। कितनी बार खा लेते थे? वो दिन में प्रार्थना करके सो जाती थी, पर नींद नहीं आती थी, फिर दवाई खानी पड़ती, फिर खानी पड़ती थी जब फिर खांसी आ रही। और डेढ़ महीने से आप इस प्रॉब्लम से परेशान थे? हाँ जी। देख लो, जिसको जो प्रॉब्लम है ना उसको पूछ कर देखो, क्योंकि रात खुदा ने बनाई हमारी सोने के लिए, आराम के लिए, और इसको पूछो अब मेडिसिन से भी नहीं इसका हल हो रहा। हाँ, मेडिसिन खाने से भी इसका हल नहीं हो रहा। मेडिकल साइंस बुरी नहीं, वो भी खुदा की देन, पर जब मेडिकल साइंस भी काम ना करे, द मेडिकल साइंस भी काम ना करे, तो बताओ बंदा कहां पे जाए? जी, डेढ़ महीने से परेशान थे। बोलो क्या थी? फिर आप विश्वास में बने हुए थे, लगातार मीटिंग में आ रहे थे? हाँ जी, लगातार रहता है। इसके विषय में मेरे से कोई डेढ़ महीने में आपने कभी कोई बात नहीं की? नहीं पापा जी, नहीं हुई। सुनो, पर जब विश्वास में बने हुए थे आ रहे थे, क्योंकि जब आप, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब इस मन से चाह से बने रहोगे, खुदावंत को पता है, ऐसा नहीं उसे नहीं पता, लेकिन हमारा महाजाजक ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में हमारे साथ क्या ना हो, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बने हुए थे विश्वास में, परेशान थे डेढ़ महीने से, रोज रात को धन्यवाद प्रार्थना करके तो सोते थे, फिर खांसी शुरू हो जाती थी, फिर मेडिसिन खानी पड़ती थी, कई बार फिर एक ही बार के दो बार भी रात को खा लेते थे? नहीं पापा जी, एक ही बार खाते थे, समझ हो? पर छुटकारा फिर भी मिल नहीं रहा था। पर जैसे इस संडे आए हम, तो खुदा ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया, हम उस प्रोफेटिक वर्ड को सुनते हैं जो परमेश्वर ने इनके लिए बोला। हाँ, लगाओ उस वीडियो क्लिप को। मैं किसी को देख रहा हूं, उसे सोते समय बहुत खांसी आ रही है, वो परेशान है, मेडिसिन भी खा रहे हैं पर हल नहीं हो रहा। राइट नाउ अपने गले पे, अपनी चेस्ट पे, अपनी ब्रेस्ट पर हाथ रख लो। आप रोज सोते समय ये आपको खांसी आती है, दिन में नहीं आती, दिन में नहीं आती, आपको सोते समय खांसी आती है और आप परेशान होते हो तब। राइट नाउ आपकी नींद शैतान खराब करता है। राइट नाउ अपने गले पे अपने हाथ रख लो। राइट नाउ खुदावंत डायनामस पावर को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। शैतान चल, चल छोड़ इनके परिवारों को, पति को, इन्हें छोड़, 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 चौखड़, उखड़, उखड़। आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है शैतान। आज खुदा की पावर है तेरे ऊपर, स्वर्ग से तू जल रहा है, मैं देखा, मैंने खुदा। सुनो, जैसे खुदा ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया इनके लिए कि मैं देख रहा हूं आपको दिन को खांसी नहीं आती, ये रात के समय आती है, आप मेडिसिन भी खा रहे हो पर फिर भी हल नहीं हो रहा, कितने मेरी बात समझ रहे? पर जैसे वो प्रोफेटिक वर्ड, और मैंने उस बीमारी को डांटा, बोलो क्या, किसके नाम से, और एकदम से इन पर आपने देखा दुष्ट आत्मा आ गया,
क्योंकि प्रॉब्लम किसकी ओर से, हर दुख किसकी ओर से, बोलो क्या? हर दुख मैंने कहा किसकी ओर से है। और उस दिन खुदावंद ने उस आत्मा से, उस बुरी आत्मा से जो डेढ़ महीने से इन्हें परेशान कर रही थी, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। आज कितने दिन हो गए? पापा जी तीसरा हफ्ता जी। नहीं, आज तीसरा हफ्ता हो गया। हाँ तीसरा, आज आज तीसरा हफ्ता हो गया। बोलो क्या है ये? कितनी डेट, कितनी तारीख का ये वीडियो क्लिप है? 10 मार्च। 10 मार्च का, 10 मार्च को खुदा ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया। समझ आ रही है? आज इस तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और उस दिन से फिर दोबारा कभी भी खांसी नहीं आई, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पापा जी, खुदा ने आजाद कर दिया। तारीफ करो। है ये तो नासरी, दोनों हाथों को उठाकर विश्वास करते हैं। आज वो जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो ताकत का परमेश्वर है, जो मेरे मन की गूढ़ बातों को भी जानता है, जानता है कि नहीं जानता? बताओ मुझे, बोलो जानता है कि नहीं जानता? उसका अपने आदर करना है, उसको अपने प्रेम करना है, उसके वचन को अपने समझना है, उसकी हर आज्ञा को मानना है, उसके सामने दीन बनना है। वो सब जानता है, उसे पता है। बोलो क्या है? लिखा सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं है, जो उसे छिपी है उसे पता नहीं है। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, किसको बताए? तुम किस चीज से परेशान हो, कौन से रोग से परेशान हो, तुम्हें क्या चाहिए, किसे बताए? पता है कि नहीं पता? फिर क्या विश्वास है आपका आज? क्या विश्वास है आज आपका? हाँ, क्योंकि मन हमेशा हमें दोष लगाता है। क्या लगाता है? मन में हमेशा दोष लगाता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन चुप, मेरी आशा किससे? किससे है मेरी आशा? उस परमेश्वर से है। कहता चुप हो जा। जब ये आपको, ये चीज जिस दिन आपको समझ आ गई, आप बहुत कुछ लोगे उससे, बहुत कुछ। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई, बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे। पर शरीर हमें करने नहीं देता, मन हमेशा हमें दोष देता और शरीर हमें उसकी इच्छा को पूरी नहीं करने देता कि हम जो वचन आ रहा है हम उसमें मेहनत करें, विश्वास से जाएं, बने रहें कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? बस बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। जो वचन खुदा तुम्हें दे रहा है उसे पूरा करते जाओ। आमीन। हालेलुया। तारीफ कर दो इन सब गवाहियों के लिए जोर से।